श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, श्राद्ध पक्ष के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को महालक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में जो अष्टमी पड़ती है उसमें माता रानी गज पर यानी हाथी पर विराजमान होकर प्रकट होती हैं, और उस दिन आप माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए एक छोटा सा उपाय करेंगे तो आपके घर धन धान्य से भर जाएंगे। यदि आपको धन संपदा की कमी है या फिर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो छोटा सा एक उपाय करना है आपको। यह उपाय करने के लिए हाथी का इस्तेमाल करना है। जी हाँ दोस्तों, गज लक्ष्मी यानी हाथी पूजन, महालक्ष्मी की पूजा करनी है आपको। इस दिन मिट्टी का हाथी लेकर आना है। मिट्टी के हाथी मिलते हैं जिस पर माता लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। ऐसा कई जगह पूजा की जाती है। इस तरीके के आप सोने चांदी या फिर पीतल तांबे के भी बनवा सकते हैं हाथी, और इनकी पूजा करें। आप कमल गट्टे जरूर अर्पित करें। कमल गट्टे माता लक्ष्मी को अति प्रिय होते हैं, और कमल के फूल भी जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा का वीडियो हमारे चैनल पर कम्युनिटी टैब पर डला हुआ है, उस वीडियो को देखिएगा। संपूर्ण पूजा विधि भी हमने बताई है। 5-6 मिनट का वीडियो डाला हुआ है, वो पूरा देखिएगा। उसकी पूरे पूजा सामग्री भी डाली हुई है, क्या क्या लगती है उसे देख करके आप पूजा करें। आपको शीघ्र ही धन की प्राप्ति होगी। यह उपाय आपको 28 सितंबर गज लक्ष्मी महालक्ष्मी के दिन करना है, यानी महालक्ष्मी अष्टमी के दिन आपको यह उपाय करना है। आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्ते।